राजनीतिक दलों के एजेंडे और दावे ज्यादातर खोखले ही साबित होते हैं। आम लोग भी दावों और वादों की राजनीति को अब ठीक से समझने लगे हैं, लेकिन हर चुनाव में महिलाओं की राजनीति में कम भागीदारी का मुद्दा गर्माता है। बावजूद इसके कोई खास फर्क हर बार नहीं पड़ता। महिलाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी को लेकर सड़कें से लेकर संसद तक कई मंचों पर बात उठाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद जस की तस स्थिति होती है। फिर भी सियासी दल इस मामले में बहुत पीछे हैं। महिलाओं की कम भागीदारी को राजस्थान विधानसभा भी जाहिर करती है, जहां 200 की संख्या में महज 28 महिला विधायक रही हैं पिछली बार। पहले सागवाड़ा की रैली में राहुल गांधी ने, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने महिला प्रतिनिधित्व पर बयान देकर एक संकेत तो दे दिया कि इस बार के चुनावी रण में महिला उम्मीदवारों के लिए पार्टियों ने कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा है। पार्टी का मानना है कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। हमारी कोशिश है कि पिछली बार जितने हमने टिकट दी हैं, उसे कुछ सीट हम बढ़ाकर उनको दें। राजस्थान की मौजूदा विधानसभा में 200 में से 28 महिला विधायक हैं। इतना ही नहीं, मतदान के मामले में भी महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी कभी दिखाई नहीं पड़ी। कांग्रेस पार्टी पिछले लंबे समय से महिलाओं को 33% आरक्षण की वकालत करती रही है और बीजेपी भी महिलाओं की भागीदारी को हमेशा से जरूरी बताती रही है। बावजूद इसके 14% महिलाएं ही विधानसभा की चौखट तक पहुंच सकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर जिले से एक महिला और एक युवा को टिकट दी जाए। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 200 सीटों वाली विधानसभा में 28 महिला विधायक हैं, बीजेपी की 22 महिला विधायक हैं, कांग्रेस की एक महिला विधायक हैं, एक निर्दलीय महिला विधायक हैं, एनपीईपी की 2 महिला विधायक हैं, जबकि एनयूजेडपी की 2 महिला विधायक हैं। जहां तक महिलाओं की उम्मीदवारी की बात है तो 2013 के चुनाव में कुल 2342 प्रत्याशियों में से 253 महिलाओं को मौका मिला, जिसमें सामान्य वर्ग की 169 महिलाएं, अनुसूचित जाति की 49 महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की 35 महिलाओं ने उम्मीदवारी की थी, जिनमें सामान्य वर्ग की 25 महिलाओं के आवेदन निरस्त हुए, अनुसूचित जाति की 5 महिलाओं के आवेदन निरस्त हुए, अनुसूचित जनजाति की 3 महिलाओं के आवेदन निरस्त हुए, जबकि सामान्य वर्ग की 43 महिलाओं ने विड्रॉ किया, एससी वर्ग की 7 महिलाओं ने विड्रॉ किया, एसटी वर्ग की 5 महिलाओं ने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। सिर्फ 166 महिलाएं ही मैदान में डटी रहीं, जिनमें सामान्य वर्ग से 102 महिला प्रत्याशी, एससी वर्ग से 37 महिला प्रत्याशी, एसटी वर्ग से 27 महिला प्रत्याशी मैदान में थीं, जिनमें से 28 ही विधानसभा तक पहुंच पाईं। फिलहाल अभी सभी को उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है, लिहाजा देखना होगा कि महिला उम्मीदवारी पर इस बार सियासी दलों का रुख क्या रहने वाला है। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर।